क्या बकवास कर रहे हो? देहांत कैसे हो जाएगा मेरा? मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। मगर हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से आप मर चुके हैं सर। मैं दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? बुला तुम अपने अफसर को बुला। अरे यार मैं अमरनाथ कश्यप यहाँ जिंदा खड़ा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ और तू कह रहा है मैं मर गया हूँ। देखिए सर मेरी बात। अरे मैं क्या देखूंगा, तू देख। मारना चाहता है मुझे, कत्ल का मुकदमा ठोकूंगा मैं तेरे। अरे मेरी पेंशन हड़पना चाहता है बेईमान इंसान। देखिए आप बेकार में बहस कर रहे हैं, आइए आप खुद ही देख लीजिए ना। ये देखिए डेड डेड मतलब दादाजी अलाइव नहीं है। नाना जी ना। अरे हट पड़े यार, जिंदा हूं मैं। जी नहीं, आप मर चुके हैं। अब आप ऐसा कीजिए, घर जाइए, घर के बाहर जो तख्ती लगी होती है ना, उस तख्ती पर इनका नाम होगा अंबरनाथ कश्यप, उससे पहले स्वर्गीय लगा दीजिए। अब मैं देखता हूँ। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, आपके सामने खड़े। अरे आज सुबह उठ के उन्होंने ठीक तरह से नाश्ता भी किया, हम तीनों ऑटो में आए, आते वक्त इन्होंने सर पे 3-4 थप्पड़ भी मारे, और क्या चाहिए आपको? भाई हम तो रिकॉर्ड पे जाते हैं, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो लिखा है हम सिर्फ उसे ही मानते हैं। मैं खून कर दूंगा। लिसन मिस्टर, आप ऐसे कैसे दादाजी को डेड डिक्लेयर कर सकते हैं? आप डेटा वेटा छोड़िए, सबसे पहले दादाजी से माफी मांगिए, टेल हिम सॉरी। ओके आपको क्या लगता है कि ये कंप्यूटर झूठ बोल रहा है? अरे क्यों श्रीवास्तव जी, बताइए इन्हें। देखिए हमारे डिपार्टमेंट ने कंप्यूटर पर बहुत पैसा खर्च किया है, 16 टेंडर आए थे इनके लिए। टू हेल विद योर टेंडर, टू हेल विद योर कंप्यूटर, अंडरस्टैंड? कंप्यूटर हैंडल कौन करता है? ह्यूमन बीइंग है ना, तो उससे गलती नहीं हो सकती है क्या? उस ऑफिसर को बुला ना जिसने इसमें डेटा फीड किया हुआ है। अरे शर्मा जी समझाइए इन्हें आप। अरे शर्मा जी क्या कर लेंगे आपके? कुछ दिन पहले आपकी डेथ की खबर छपी थी ना न्यूज़पेपर में, तो हो सकता है उस ऑफिसर ने वो न्यूज पढ़ी हो और ये फीड कर दिया हो सकता है ना ये। देखिए मैं वो सब नहीं जानता, मेरे पास जो रिकॉर्ड है मैं उसी के हिसाब से काम करूंगा। अब प्लीज आप लोग मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, बहुत काम है मुझे। ऐसे कैसे चला जाऊंगा मैं, पहले ना तेरा गला दबाऊंगा मैं। लिसन मिस्टर, हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, ऑलराइट? दादाजी मैं आपको जिंदा प्रूफ करके रहूंगी। अरे सुहाना, नाना जी ऑलरेडी जिंदा है। लेकिन इस गधे की समझ में नहीं आ रही ना ये बात। अरे सर आप लोग सब सुन रहे हो ना, देखो खुद कह रहा है मुझे अंबरनाथ कश्यप और मानने को तैयार नहीं है मैं जिंदा हूँ। दादाजी नेक्स्ट टाइम आप अपनी पेंशन प्लीज वो प्राइवेट कंपनीज को हैंडल करने को दीजिए, वो कितना प्रोफेशनली हैंडल करते हैं इन सब चीजों को। अपने डीबीए को बुलाओ, चलो। डीबीए कौन? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसे बात करनी, बुलाओ उसे अभी का अभी, बुलाओ चलो। श्रीवास्तव जी काम कीजिए ना आप लोग, शर्मा जी प्लीज आप लोग अपना अपना काम कीजिए। आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। नाना जी अभी बैठिए। सोना सोना देखिए मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ रहा हूं, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। मतलब अंकल जी बात यह है, पहले आप जिंदा होने का सबूत लाइए, उसके लिए आपको थाने में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, सबूत आ जाएगा मेरे पास तो मैं आपको पेंशन का चेक इशू कर दूंगा। अरे मैं जो तेरे से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ तेरे से, चिल्ला रहा हूँ तेरे पे, क्या ये सब, ये मेरे जिंदा होने का सबूत नहीं है क्या? मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक आप मर चुके हैं। इसका मतलब तुम अपनी मिस्टेक नहीं सुधारोगे? मिस्टेक? कैसी मिस्टेक? अरे आप मर चुके तो मर चुके हैं ना। दादाजी एक सेकंड, अपना डेटा देखो। चलो हाँ देखिए दे, 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 अरे ये क्या किया आपने? कर लो काम, तुम्हें बहुत काम कर रहे हैं ना, निकाल लो सबके रिकॉर्ड्स, अब इसमें दादाजी का ही नहीं तुम्हारा भी डेटा नहीं रहा है, ऑलराइट? चलिए दादाजी लेट्स गो। नाना जी आप हैं, आप जिंदा हैं, चलिए आप चलो चलो चलो।
थैंक यू संजना, थैंक यू सो मच। व्हाट? तुम्हें साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। कम ऑन संजना, नॉट अगेन। नो, आई एम सीरियस। ये क्या चक्कर है? सुबह सुबह मुझे फोन करके तुम टूथपेस्ट मंगवाते हो। किस एंगल से ये नॉर्मल बिहेवियर है? ये हेडेक। एक्चुअली मुझे दो दिन से कांस्टेंट हेडेक है। सीरियसली? या आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, लेकिन तुम्हें कॉल करने के बाद मैंने कई बार सोचा कि मैंने तुम्हें इतना डिस्टर्ब आखिर क्यों किया। ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। पहले तुम मुझे फोन करते हो, फिर सोचते हो कि फोन क्यों किया। सॉरी बोला ना संजना। संजना, इस शहर में मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानता, एक तुम ही तो हो। ओके, इट्स ओके, ऑल राइट। पर अगर तुम्हें हेडेक है तो तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने मेडिसिन ले ली है, आई बी ओके। तुमने कुछ खाया है कि नहीं? वरना कल सुबह सुबह फोन करके मुझसे अंडे और ब्रेड मंगवाओगे। खाया ना, कॉफी एंड सैंडविच। तो अब अगर तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो ब्रश भी कर लो। तुम्हारा काम तो हो गया, मैं चलूं? या श्योर, थैंक यू सो मच। ओके बाय। सॉरी संजना, पर अभी मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। पर हाँ, जिस दिन बताने वाली सिचुएशन आएगी ना, उस दिन सबसे पहले सिर्फ तुम्हें ही बताऊंगा। प्रॉमिस। सुहाना, सब कुछ ठीक तो है ना? ऑफिस वालों ने दादाजी को डेड डिक्लेयर कर दिया। क्या? 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 या? अरे बाबूजी, बाबूजी, ये चक्कर क्या? ओहो, ये क्या करवा रहे हैं? ये माजरा क्या है बाबूजी? आप साफ साफ बताइए ना, अभी तो आप ही जानते हैं, बताइए ना। अरे सुना नहीं साले ने क्या कहा अभी? तुम क्यों नहीं बताता भाई? अरे वो नाना जी को पेंशन नहीं मिली ना। अरे क्या है? ओ, तुझे पेंशन की पड़ी हुई है और मैं जो मर गया उसकी फिक्र ही नहीं है यार। मुझे पता है मुझे, ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र मुझे जीते जी मारने की साजिश है। क्या? तेरा, मैं देखना, मैं इतनी आसानी से इन्हें अपनी अस्थियां बहाने नहीं दूंगा। ये क्या है बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप अच्छे भले जिंदा हैं, मरे आपके दुश्मन। अरे मरेगा तो वो क्लर्क जिसने मुझे जीते जी मार दिया है। हाँ। हाँ। इधर अरे देखो बताओ मैं हूं कि नहीं? अरे बाबूजी अब हैं, बिल्कुल हैं। मैं हूं ना? हाँ, हाँ, आप हैं दादाजी। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? नाना जी, मैं भी चलते चलते थक गया हूँ, तो अब जरा यहाँ बैठ जाइए ना। दादाजी आप बैठ के भी जिंदा रह सकते हैं, बैठ जाइए। अरे दादाजी नो स्ट्रेस, अब तो उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आप जिंदा है या डेड है। क्या? हाँ, सुहाना ने उसके कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट कर दिया ना, आपके सामने ही तो किया था। तो एक सेकंड इधर आओ तुम। क्या तुमने ये क्या कर दिया सुहाना? अरे इसमें पुलिस केस हो सकता है। अरे चिल्ले आए, बिल्कुल ठीक किया इसने, बिल्कुल ठीक किया।
अरे तुझे तो गर्व होना चाहिए अपनी बहादुर बीवी पर। हाँ, अगर ये आजादी से पहले पैदा हुई होती ना तो मैं तारे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश की आजादी में इसका ही हाथ होता। रली दादाजी, भारत माता की जय। अरे लेकिन तुमने डेटा को क्यों आजादी दिला दी, मतलब वो गायब कर दिया, उड़ा दिया? अरे अगर मैं मर चुका हूँ तो वो क्लर्क भी तो मर चुका है ना। हाँ, अब देखना, पेंशन तो दूर, अपनी तनख्वाह भी नहीं ले पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ले पाएगा। बाबूजी, बाबूजी एक मिनट, शांति, बिल्कुल शांति। कुछ हो वो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे मुझे क्या होगा, मैं तो मर चुका हूँ ना। नो दादाजी, आप जिंदा हैं, यू आर अलाइव। शाबाश शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। देखा देखा, सुहाना ने कह दिया मैं जिंदा हूँ, तो मतलब मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। पता नहीं इस घर में सबको जल्दी डिनर क्यों करना होगा। इस वक्त तो मेरे मायके में सब लोग चाय नाश्ता कर रहे होंगे। रौनक, उंगलियां घिस जाएंगी, बस करो, चलो खाना शुरू करो। हाय मम्मी। अरे? क्या हुआ, आज टीवी पर कोई किसी के साथ झगड़ा वगड़ा नहीं कर रहा है? तूने अभी तक खाना नहीं खाया? उफ, सब ठंडा हो गया होगा। हाथ पहुंचने से फुर्सत मिले तब खाएंगे ना, ये सफाई रखनी भी जरूरी है ना। अब ये रोज रोज चिकन किसे पसंद है? मम्मी जी, अगर आपके बेटे को मैं अंडा बनाकर दूं तो कहते हैं ब्रेकफास्ट का आइटम है। आधे से ज्यादा सब्जी तो ये खाते नहीं है, और कांटे वाली मछली आपने खाना सिखाया नहीं है। मटन दो तो कहते हैं ओ गॉड हाई ऑन कैलोरीज। तो चिकन नहीं बचा ना, और क्या बनाऊंगी? क्यों, पनीर मटर आलू गोभी ये सब भी तो बना सकती हो ना। ये देखो, मेरा बेटा मेरी ही आंखों के सामने निकाल निकाल के खा रहा है। क्या तुम इसकी दाल बिना छौके के नहीं बनवा सकती? छौके वाली दाल आपको पसंद है इसलिए बनती है। अब हर किसी के लिए अलग अलग खाना कैसे बनवाऊं? खुद को तो खाना बनाना नहीं पड़ता है। खाना बनाने वाली है तो उसके साथ रुक कर एक नजर नहीं दे सकती हो कि वो ठीक बना रही है नहीं बना रही है? जाओ फ्रिज में सॉसेजेस पड़े हैं, उन्हें फ्राई करके ले आओ। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ये दाल रोटी खाए? मॉम मॉम मॉम, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। अरे मॉम, आपने हमारे नए घर का लेआउट देखा? नो। You have to see it. वहां पे टेबल पे लेआउट भी है और फोटोग्राफ भी। वाह, क्या घर है, विद ग्रेट व्यू, वेरी क्लासी। रौनक, इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं लगता तुम पैसे वेस्ट कर रहे हो? अरे मैं अपने घर पे पैसे लगा रहा हूँ, वेस्ट कहाँ कर रहा हूँ? हाँ, पर हम सिर्फ चार लोग रहते हैं, इतना बड़ा घर। स्टेटस भी कोई चीज होती है, समझती हो ना? और पन्ना, बात हमारे रहने की नहीं है, हमारे घर में बड़ी बड़ी कंपनी के टॉप पोजीशन के लोग आते रहते हैं। That's why. You know, उस दिन मुझे मिसेस शर्मा मिली थी, जब उन्होंने सुना कि हम अपने नए बंगलों में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनका मुंह तो खुला का खुला रह गया। And you know what she said? 2.5 crore का बंगलो होगा ना? Of course. मम्मी जी, 2.5 crore हमारे घर में नहीं पड़े हैं, हमें बैंक से लेना पड़ रहा है, वापस चुकाना भी होगा। So, पन्ना, you guys know my salary. Can't I pay that money? रौनक, after all, नौकरी है, क्या भरोसा आज है कल नहीं हुई तो? बकवास बंद करो, तुम्हारे मुंह से कभी कोई सही बात नहीं निकल सकती।
मैं तो बस इतना जानती हूँ मम्मी जी कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हमारी चादर तुम्हारे घर की चादर से पड़ी है। आप बात बात में मेरे घर वालों को क्यों ले आती हैं? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? क्योंकि तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। पता है क्या रौनक, मेरा मन करता है तुम्हारे माँ के खाने में ना मैं चूहे मारने की दवाई मिला दूं। How dare you? It's very unhygienic यार। चूहे मारने की दवाई sounds चाउड़ी बाजार टाइप्स। Think classy। Classy? अभी बताती हूँ तुम्हें मैं classy। तुम्हें मजाक सोच रहा है? मजाक सोच रहा है? मैं कब से तुम्हें भूल रही हूँ? जाते-जाते तुम भी क्या याद रखोगे कि सुहाना बाजपाई ने तुम्हें डांस सिखाया? मुझे पागल कर देगी। इतने दिन हमने साथ में गुजारे, आंसू, इतनी मुस्कुराहट हमने साथ में शेयर की, क्या सुहाना के दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है? अरे इतना जल्दी सो रहे हो तुम, चक्कर क्या है? नहीं बस थोड़ा नींद आ रही थी इसलिए। बुरी नींद आ रही थी? What nonsense, ये सब एक्टिंग मेरे सामने मत करना, चक्कर क्या है? उठो उठो, चलो उठो उठो, मुझे पता है तुम इस वक्त नहीं सोते हो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे नींद नहीं आ रही है? कितने दिन से जानती हूँ मैं तुम्हें, सोते जागते उठते बैठते मॉर्निंग इवनिंग, मुझे सब पता है कि तुम कब सोते हो कब उठते हो। अच्छा, इतना सब कुछ जानती हो मेरे बारे में, तो ठीक है। बताओ कि और क्या क्या जानती हो? बहुत कुछ जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और या यू आर अ वेरी वेरी डिसेंट मैन। अच्छा लड़का, डिसेंट मैन, ये क्वालिटी नहीं है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इस अच्छाई ने मुझे मेरी सबसे प्यारी चीज खोने पे मजबूर कर दिया है।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।